हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ फिंगर चिप्स की रेसिपी। तो फिंगर चिप्स बनाने के लिए हमने 4 आलू 5 आलू ले लिए हैं और इसको छील के पानी में डाल के रख दिया था 2-3 मिनट पहले। अब इसको हमारे पास मशीन है, तो ये देख लीजिए, हमने मशीन पे आलू रख दिया। ये देख लीजिए, एकदम फिंगर के बढ़िया अच्छे से पीसेज कट गए हैं। और ये मशीन मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। बहुत महंगी नहीं है, मात्र 100 रुपये की मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम सारे फिंगर काट लेंगे। ये देख लीजिए, हमने दूसरा भी रख दिया है। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत आसान हो जाता है काटने में। और हम काट लेते हैं सारे फिंगर, फिर इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने आलू के फिंगर काटे हैं उसको हमने पानी में डुबा के रख दिया है। अभी इसको हम कम से कम 2-3 मिनट तक रखेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा वो है निकल जाए, तो फिर हम इसमें जो है कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब हम एक कपड़े पे, सूती कपड़े पे इसको हम फैला देंगे, ताकि इसमें जो पानी है सो अच्छे से सोख जाए। तो ये तभी जो हमारे फिंगर है वो कुरकुरे बनेंगे। तो हमने इस पे कपड़े पे डाल दिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पंखे में रखेंगे। फ्रेंड्स, जो हमने आलू लिया था उसमें हमने 1 चम्मच अरारोट डाल दिया है। अब दूसरा चम्मच भी डाल देते हैं हम इसमें, 2-3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम 2 चम्मच डाल देंगे मैदा। तो फ्रेंड्स, हमने भी इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा मैदा और इसको हम मिलाएंगे। ये देख लीजिए, हमारा आलू एकदम ड्राई हो गया था, तो ये थोड़ा मिल नहीं रहा है, लेकिन 2 मिनट इसको रखेंगे तो ये अच्छे से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमने बाउल लिया था उसमें अच्छे से मिलाते नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमने बड़ा ये बाउल ले लिया है। इसकी जो कोटिंग है वो अच्छे से होगी, तभी जो हमारे आलू फिंगर हैं ये कुरकुरे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये चिपकने लगे हैं। तो 2 मिनट हम इसको रखेंगे, 1 मिनट, ताकि ये अच्छे से जो है कोटिंग हो जाए इसकी। फ्रेंड्स, इतना हमको आलू को सुखाना है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो हमारे फिंगर हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, थोड़ा कुरकुरे नहीं बनेंगे, तो फिंगर अच्छे नहीं रहेंगे। अभी हम इसको मिला के रख दिए हैं फ्रेंड्स। तो जब तक हमने उसकी कोटिंग करके रखी, इधर हमने चढ़ाई है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है तेल। तेल हमारा गर्म हो रहा है, ये थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम फिंगर डालेंगे, नहीं तो जो कम तेल गर्म रहेगा तो फिंगर अच्छे नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तेल गर्म हो जाए फिर हम डालते हैं फिंगर को। तो फ्रेंड्स, हमने फिंगर को ऐसे छन्नी में छान लिया है, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा मैदा है और कॉर्नफ्लोर है वो निकल जाए। तो अभी हमारा तेल गर्म हो गया, हम इसमें डाल देंगे फिंगर फ्राई होने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम और डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको उलट पलट के सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, लंच बॉक्स में। और बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी पसंद आते हैं, तो ये नाश्ते के लिए हम बहुत बेहतर रहता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे फिंगर थे ये गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, अगर आप लोगों को कलर वाला पसंद है तो, बट मैंने तो नहीं डाला है। फ्रेंड्स, ये स्नैक्स बहुत अच्छे होते हैं, आप इसको चाय के साथ या फिर ऐसे चटनी के साथ खा सकते हैं, हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, हमारे फिंगर बन गए हैं, ये देख लीजिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी हमने टिश्यू पेपर लगा दिया था प्लेट में और उसको निकाल लेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए।
तो फ्रेंड्स दोबारा भी हमने छान लिया है, इसी तरह हम सारे फिंगर्स को फ्राई कर लेंगे। देखिए चिमनी डाल दिया है तेल में, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर या ये मैदा बचता है इसको हम किसी डिब्बे में करके रख लेंगे, जब फिर कोई चीज़ बनाएंगे तो काम आ जाएगा, इसको हम फेंकेंगे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए हमारे जो फिंगर हैं वो बनके तैयार हो गए, एकदम बढ़िया क्रंची सा क्रिस्पी सा। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो मैं अपने वीडियो को इसी पे करती हूँ एंड बाय बाय, टेक केयर। मेरा चैनल अगर पसंद आया हो तो मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।